भारत में बनेंगे अमेरिकी फाइटर जेट अगर सब कुछ ठीक रहा तो। बहुत जल्द मेक इन इंडिया के तहत अमेरिका फाइटर का निर्माण भारत में होगा। मोदी सरकार अमेरिकी फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करवाना चाहती है, जिसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी कंपनी बोइंग और उसकी प्रतिद्वंदी लॉकहीड मार्टिन के साथ मीटिंग भी की है। दोनों कंपनियों ने F-16 सुपर वाइपर और कस्टमाइज F/A-18 सुपर हार्नेट विमान भारत में बनाने का ऑफर दिया है। ये विमान एयरफोर्स के लिए बनाए जाएंगे। पेंटागन के डायरेक्टर फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन कीथ बेवस्टर की मौजूदगी में साउथ ब्लॉक में ये मीटिंग हुई। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत संभावित फॉरेन मिलिट्री सेल्स यानी FMS प्रपोजल के लिए ये पहला कदम है। इस प्रोग्राम के तहत अमेरिकी फाइटर जेट्स भारत में बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट से जुड़े कई अधिकारी ने बताया कि भारत और अमेरिकी गवर्नमेंट के बीच इसके लिए बातचीत अगले कुछ दिनों तक चलेगी और इसमें बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर 12 अप्रैल को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मिलने वाले हैं। उनके बीच भी इस पर चर्चा होगी। बोइंग और लॉकहीड मार्टिन दोनों ही पहले भारत में फाइटर जेट्स बनाने में दिलचस्पी की घोषणा कर चुकी है। गौरतलब है कि पर्रिकर ने कहा था कि उनका मंत्रालय 1 या 2 फाइटर जेट के लिए जल्द से जल्द प्रोडक्शन लाइन शुरू करवाना चाहता है। इसके बाद विदेशी कंपनियों की तरफ से पहल हुई है। प्राइसिंग पर मतभेद के चलते फ्रांस के साथ रफाल डील पर काम धीमी रफ्तार से चल रहा है। ऐसे में विदेशी कंपनियों को भारत में प्रोडक्शन बेस बनाने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आपको बता दें कि लॉकहीड मार्टिन ने भारत और एक्सपोर्ट के लिए यहाँ प्रोडक्शन लाइन शुरू करने की बात कही थी। इसके बाद सरकार F-16 फाइटर जेट मेक इन इंडिया के तहत यहाँ बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। पिछले साल लॉकहीड मार्टिन के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। इसमें लॉकहीड मार्टिन ने इसके बारे में अपने इरादे बताए थे। वहीं दूसरी ओर बोइंग ने F/A-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर मेक इन इंडिया प्लान के तहत बनाने में दिलचस्पी दिखाई है। उसने इसके लिए इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी ऑफर दिया है।